हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस और लॉन्चिंग डेट के बारे में बात, जो कि होने वाला ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का नया स्मार्टफोन ओप्पो A31। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की इसी ओप्पो A31 की। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ओप्पो A31 की स्पेसिफिकेशंस और लॉन्चिंग डेट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस और लॉन्चिंग डेट बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते। ये एक लीक में सामने निकल कर आई है, तो वो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। आपको इसमें देखने को मिलते हैं 2 स्टोरेज वेरियंट, जो कि होने वाले 4 GB RAM, 64 GB स्टोरेज एंड 6 GB RAM एंड 128 GB स्टोरेज। ये 2 स्टोरेज वेरिएंट अभी तक पता लगे कि आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मिड रेंज में रहने वाला स्मार्टफोन, एक प्राइस सेगमेंट में आने वाला, जो कि होने वाला 13,500 रुपये, यानी 13,500 के बीच में स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए जल्दी से इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें देखने को मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो P35 प्रोसेसर। और इसकी स्क्रीन साइज़ की बात करें तो आपको इसमें स्क्रीन साइज़ देखने को मिलेगा 6.5 इंचज़ का HD+ डिस्प्ले। HD+ डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, अभी तक तो यही न्यूज़ सामने आई है। और प्रोसेसर मैंने आपको बता दिया, मीडियाटेक का हीलियो P35 प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा। और अब इसके बैटरी की बात कर लेते हैं कि कितने mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसमें देखने को मिलेगी 4230, यानी 4230 mAh की बैटरी देखने को आपको इसमें मिलेगी। तो बैटरी के बारे में तो बता दिया, लेकिन चार्जिंग सपोर्ट के बारे में अभी नहीं पता लगा कि क्या चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको, फास्ट स्लो या कैसा चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बैटरी आपको देखने को मिलेगी 4230 mAh की। और कैमरास की बात कर ले तो आपको इसमें बैक में देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, यानी 3 कैमरा देखने को मिलेंगे। जो इसका मेन प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 12 MP का, और एक होगा 2 MP का, और तीसरा भी होगा 2 MP का। यानी जो कैमरा मिलेगा आपको 12+2+2, तो ये 3 कैमरा बैक में आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा 8 MP का, यानी 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको स्क्रीन में ना देकर बैक में दिया जा रहा है, यानी कि जो नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है बैक में, वहाँ पर आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। तो यही थी इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट की तरफ, कि आपको ये इंडिया में कब देखने को मिलेगा। तो जो लीक सामने निकल कर आई है, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि अगले हफ्ते आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, यानी कि ओप्पो A31 को नेक्स्ट वीक आपको इंडिया में आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक लॉन्च होता है कि नहीं, तो इंतज़ार रहेगा हमें इस ओप्पो A31 का। तो ये वीडियो थी छोटी सी इसी की स्पेसिफिकेशंस और लॉन्चिंग डेट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।